चीन और पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती में दरार पड़ने वाली है। इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का आतंकवाद पर अंकुश न लगा पाना। कराची पुलिस की शहर में चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे कुछ व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तानी पुलिस आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए हाथापाई कर रही है, वहीं चीनी नागरिकों पर हो रहे हमले न रोक पाने के चलते पुलिस ने उनके कारोबार को ही बंद करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने कराची पुलिस को इनपुट मिले थे कि चीनी नागरिकों और उनके व्यवसायों पर हमले बढ़ने वाले हैं। इसी के तहत पुलिस ने चीनी नागरिकों के व्यवसायों को बंद कराने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बार बार की चेतावनी के बावजूद कई चीनी वाले व्यवसाय सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण संतोषजनक सुरक्षा व्यवस्था किए जाने तक उन्हें सील कर दिया गया है। पाकिस्तान के इस कदम से उसका सदाबहार दोस्त चीन भड़क सकता है। चीन के साथ पाकिस्तान के रणनीति संबंध हैं। निकेई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण चीनी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके कुछ दिनों बाद ही चीन ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चीन लगातार पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह उनके नागरिकों की सुरक्षा करे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि बीजिंग की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने वहां रहने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे। यहां एक और दिलचस्प बात है कि रिपोर्टों से पता चलता है कि इस्लामाबाद और प्रत्यक्ष रूप से बीजिंग पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने भारी भरकम ऋण को माफ़ कर दे या फिर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ऋण की समय सीमा बढ़ा दे।